तलाश लिया। कहल जला जहां दू थे दिल एक जगह होला तो प्रेम का उद्गार होला। देखा कैलाश भैया कोनो पति पत्नी का प्रेम हो आप पति पत्नी के श्रृंगार का वर्णन कैले हो। कैसे कैलाश करिया पकेश तो हर फहरे ये जाहना दिलवा के कैलाश दीवाना करिया पा... पुतरिया चलावल छुरिया मन कर फान जाई बाना करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी ये गो करिया सियादा ये गो करिया सियादा सलवा हम गायक कलाकार वंशराज भारती पूरा आशा आ उम्मीद के साथ आप लोगन के बीच में ई प्रस्तुति दे रहल है। संगम ऑडियो वीडियो हमारे बड़े भैया किशोर कुमार की प्रस्तुति से आपके आशीर्वाद से ई कैसेट आप लोगन के बीच में हम छोड़त है। हर कलाकार के आप जितना सम्मान देवलन उतना सम्मान एहू छोट भाई के प्यार दुलार मिली। आप सबके पाव लगी बा सबके प्रणाम बा। एक ठे विचित्र कहानी बा जरा गौर करेंगे। गौर करेंगे बाबूजी। रिश्तों में कुछ ऐसे रिश्ते हमारी हैं हर रिश्ते भी जिसके लिए हैं तरसते खुदा ने बनाया जिसे है जहां में उसे आदमी तोड़ डाला हंस के। रिश्ता है एक भाई भाई कैसा जिसे राम लक्ष्मण से आका गया है सजग राहगीर लिखे ऐसी कलम से जिसे पूरे मजहब में टाका गया है। भैया ए बाबू हो तमाम कांड तमाम तमाम भी रहा आप लोगों को सुनने को मिला। जरा एक इस पे गौर करेंगे गजल का अंदाज है मास्टर। कैसे हो जाई अरे ऐसे कैसे हो जाई मोहब्बत के सौदा ऐसे कैसे हो Hey!
भाव लिखल गई। अरे आए खुदा, आए खुदा, अरे आए खुदा, ये उल्फति का ये नजारा है। आए खुदा, आए खुदा, ये उल्फत का कैसा ये नजारा है। यही से कहानी की शुरुआत लगल। कैसे मास्टर? कहानी है यदि बतो सहोदर भाई की, कहानी है यदि बतो सहोदर भाई की, एक भाई के ही भाई की बेवफाई की। राज उड़ीसा के एक गांव में वे रहते थे, राज उड़ीसा के एक गांव में वे रहते थे, राम लक्ष्मण की जोड़ी लोग उन्हें कहते थे। बड़ा भाई था प्रेमचंद घर का रखवाला, बड़ा भाई था प्रेमचंद घर का रखवाला, अकुंज प्रकाश चंद था अभी भोला भाला। माता पिता तो बचपन में ही नाता तोड़ गए, माता पिता तो बचपन में ही नाता तोड़ गए, नन्हे मुन्हे से अचानक वो मुँह को मोड़ गए। ए भैया, जरा गौर करेंगे, उड़ीसा राज्य का रहने वाला प्रेमचंद, बड़ा भाई प्रेमचंद, छोटा भाई अकुंज प्रकाश चंद, बड़का भैयावा को उम्र लगभग 14 बरिस बा, और छोटका भाई को उम्र 12 बरिस। ए भैया बाबू हो, ये दोनों बचपन के छोटे पना में माई बाबू के साया उठ गए। बाबू, एक तो गरीबी से जूझत हुमन, दूसरी माई बाबू का प्यार ना मिल पौलस, माई बाबू से अलविदा हो गयलन। गाँव पुर का लग सहारा देले हुमन, गाँव के लोगन के सहारा पा करके, गाँव के लोगन के संग मेहनत मजदूरी करके, वो दोनों बचवा अपने जिंदगी का परवरिश करत हुए। ए बाबू, बड़का भैया थोड़ा होशियार रलन, अपने छोट भाई के समझावत हूँ। भैया हो, माई बाबू ए दुनिया में ना हुए पगला, हम मेहनत मजदूरी करब, हम लोगन के संगे जाई काम धंधा करब, तोहके मेहनत से पढ़ाई, हम ना पढ़ब लेकिन तोहके पढ़ाई। ए बाबू, धीरे धीरे समय आगे बीतल हो, जब धीरे धीरे समय आगे बीतल, गांव के लोग देखलन, कहलन अब धीरे धीरे प्रेमचंद सयान हो गयलन। ए घर में एक ठे गृहिणी का जरूरत थी, ए घर में एक ठे औरत का जरूरत थी, जौन की ये दोनों बचवन का सेवा पानी कर सके। ए भैया, गांव का सरपंच मुखिया मिलके वो प्रेमचंद बेटवा के शादी तय कर दिलन जानकी नाम के लड़की से। जब जानकी के नाम के लड़की से शादी तय भई, लोगन के दिल में बड़ी खुशी है, गांव के लोगन के बड़ी खुशी हो,
यही भाव में एक ठीक तर्ज लगल मास्टर। वाह वाह। कोनो मेहरारू अपने मरद के खत लिखत थियो। हाय हाय हाय। कैसे कैसे मिलल की ना हो अंतरी देसी लिफाफा ई बात ई बाकी ना मिलल में बहाव लिखल गई लोगन के दिल में खुशी हो। कैसे प्रेमचंद के सिरावा पे सहरा बनायल हरा साये लगल प्रेमचंद के लक्ष्मी बन के अली घर में जानकी दुलहिनिया लक्ष्मी बन के स्वर्ग पानी गायल कुल घरावा जमीनिया भैया ए बाबू हो प्रेमचंद का शादी जानकी नाम के लड़की से हो जाती है। जानकी उस घर में दुल्हन बन के आती है। जब वो घर में दुल्हन बन के आईली लोग गांव पुर का जुट के देखा आवत है। वो दोनों के जोड़ा मिलावत है लोग कहती वाह रे भैया वाह वाह रे मालिक वाह गजब राम और सीता का जोड़ी लगोले हुआ सब वाहवाही करत हो। पहले दिन प्रेमचंद अपने दुलहिन के समझावत हुन ए दुलहिन ए धनिया हमरन हमहन के बचपन में माई बाबू ए दुनिया से अलविदा हो गई ले। एक छोटका बहिया के प्यार माई बाबू के ना मिलल ना हमही के मिलल लेकिन हम चाहिला कि ए छोटका भाई के हम दर्जा बाबू के देव तो के दर्जा माई के देवे के हुई। हमहन दोनों जाने के प्यार माई बाबू का वो छोटका प्रेमचंद के देवे को हुई भाई के देवे के हुई। आज है समझावत हुन धीरे धीरे समय आगे बढ़ल मेहनत से मेहनत मजदूरी कई के प्रेमचंद अपने छोटका भाई अकुंज प्रकाश के पढ़ावत हुन। बाबू मेहनत का फल मिलल अकुंज प्रकाश सरकारी वकील हो गयलन। जब सरकारी वकील हो गयलन तो कवि जी के एक लाइन गीत लिखे पड़ल जानकी अपने प्रेमचंद सैया से कहती एक घर में एक थे गृहिणी के और जरूरत थी। कैसे
है तर्जबा। पानी भी न सुखली जाता, पानी भी न सुखल जाता, हमरो या बगौती रे भौजी। प्रेम बचन से बोली एक दिन जानकी हर साई ये सैया। और कहती है क्या देवरा वो कीला भैले जल का चाहारिया हो। देवरा वो कीला तोहरो की सनिया में राजा, तोहरो की सनिया में राजा चमकल पागारी। बाबू हो, वो दुल्हन अपने पति से यही कह रही है कि हमारे घर में अब किसी चीज की कमी नहीं है, मालिक की बहुत ही असीम कृपा हुई है, गरीबी दूर हो गई, अब देवर वकील हो गई है। आप तो खूब किसानी चमकल ये सैया, हम चाहत थी कि ये परिवार में एक ठे और गृहिणी आ जात तो चार चांद लग जात। प्रेमचंद समझावत हो ना दुल्हन ना, अरे हम तो चाहत है कि एक संगे दो दो खुशी का बाजा बाजो। हाय 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 का, अब तो भाई उस घर में खूब दौलत आने लगी, खूब रुपया आवत हो। छोटका भाई अकुंज प्रकाश सरकारी वकील हो गयलन, बहुत रुपया आवत हो। आगे बहल का बाबू, अरे माई का गली बेटी,
अब माई का है ली बेटी नियरे बिया है बहो, माई का है ली बेटी नियरे बिया है बहो, बाबू का गलन लंबी दूरी हो। ए बाबू हो, जब आदमी को धन हो जाता है तो आदमी का नियत खराब हो जाले, घमंड हो जाला, अंधा हो जाला, घमंड हो जाला। अकुंज प्रकाश चंद दौलत के घमंड में हो जाता है बाबू, रास्ता बदल गए ए भैया, भूल गया उस भाई के कर्तव्य को, भूल गया उस भाई के प्रेम को, जो भाई मेहनत मजदूरी करके पढ़ा लिखा करके वकील बनाया, भूल गया उस मर्यादा को, पहल का ये हमारे प्रकाश चंदे, ये हमारे प्रकाश चंदे छोटका बीरा नावा हो, ये हमारे प्रकाश चंदे छोटका बीरा नावा हो, बंदी संगत में फसली जाए हो। आरो संग महफिल जामाए हो, ए बाबू ई खबर भाभी के पता लगल जानकी के, भैया के पता लगल प्रेम चंद के, दोनों एक जगह जब बहल हुन बाबू, जानकी के आंख से आंसू चलत हो, सैया हो जेके तो हमके कहला कि बेटा गैया अपना भाई ना भाई मान, भाई ना बेटा समझला, आज एक घर का मर्यादा डुबावल चाहत सैया, आंख में आंसू हर रोवत थी कहती, रो रो पालम से कहे जाने की गुजारिया हो, रो रो पालम से कहे जाने की गुजारिया हो, शादी अब इनकर ना कराए हो। जानकी कहने लगी कि ए सैया, अगर अकुंज प्रकाश के शादी हो जाई तो ई अपन रास्ता छोड़ दियन, जवन गलत जगह जात हुवन उहां ना जाइहन, अपने परिवार के माया मुह में फंस के अपने परिवार के सेवा सत्कार करिहन। आय है बाबू हो, बड़का भैया अकुंज प्रकाश अनपढ़ गवार, एक कामनी नाम के लड़की से वो छोटा भाई अकुंज प्रकाश का रिश्ता तय कर दिलन, जब रिश्ता तय भल तो कवि जी के एक लाइन गीत लिखे परल मास्टर, देखा कैलाश भैया कोनो मेहरारू कमरत, हाय हाय का कैलास दिल्ली शहर से गयल, आ करियै मील में से देखा फेकू भैया तोहरी मति रालू समझ, पहुंचल हो घरे सजवे के टाइम पहुंचल, सोचल कब अनार होकर पहुंची घर में, जैसे अनार भल पहुंचल बा दुल्हन के पकड़लस कचकचाय की, दुल्हनिया का कैलस का चट चट तोरला हमर नरम कलैया मड़ोर के मनवाए राजा जी, चट चट तोरला हमर नरम कलैया मड़ोर के।
प्रेमचंद तय कर दलन भाव लिखल गई का आवत दुलहिया घर में किरण फूटे लागल या जोर हो प्रेमा के सुनिला ना कामनी दुल्हन बन के घर में आती है कहा जाला कि जैसा के तैसा भवानी के भैसा जैसा के तैसा भवानी के भैसा कहा जाला जैसन अकुंज प्रकाश चंद वैसन उनकर दुल्हन मिल गईलिन अब उजवन काम कोठा पहुंच रहल अब उ काम खुदे घरे हो खलगल आय हाय बाबू हो जिंदगी भर का इज्जत आबरू संजोवल प्रेमचंद कर राई राई होखे लगल सोचत हुवन और टेरी का भाव लगल तमाशा अपने घर का देख के अब तमाशा अपने घर का देख के पल में बिखर गईल भैया भाभी का या साया 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 ए भैया बाबू हो ओ हालात के देख के एक दिन अकुंज प्रेमचंद और जानकी अकुंज प्रकाश के और कामिनी के समझावे के प्रयास के लिए हुन ए भैया अकुंज प्रकाश हो हम अपन भाई न तुमके बेटा समझ ली बहुत प्यार दुलार दहली बाबू ये घर का आबरू रहल इज्जत रहल ये अच्छा काम नहीं हो ये घर पर कोठा बनावल अच्छा ना है बाबू ये कोठा बनावल अच्छा ना हरे पगला बड़ा प्यार दुलार दहले इला ये माई बाबू के सपना सजावल हो एक राई राई मत करा बाबू राई राई मत करा आए है बाबू हो कामिनी तमतमा जाती है अरे तमतमा उठी तब तुरंत कामनी अरे तमतमा उठी तब तुरंत कामनी क्यों मुझसे बकबक करते हो वो जीवन हम जीना सकते जिस पे तुम गुजरते हो कान खोल कर सुन लो एह दौर है ऊंचे लोगों का एह दौर है ऊंचे लोगों का हम ऊंचा जीवन जीते हैं तुम लोगों का क्या जाता है हम अपना खाते पीते हैं आय हाय बाबू हो
प्रेमचंद के कलेजा फटे लगल, हाय हाय हाय, अखिया से आंस चलत हो। एक तरफ जानकी रोवत ही, दूसरी तरफ प्रेमचंद रोवत हुवन। धिक्कारती है अकुंज प्रकाश को कि तुम जिसको कहते हो मेरे भाई नहीं है, ये मेरे माता पिता हैं। आज हमारे रहने पर, हमारे खाने पर इनको गालानी हो रही है। ऐसे भाई और ऐसे भाभी को धिक्कार है इस दुनिया में। जब इतनी बतिया प्रेम चसुलन ता हाथ जोड़ के गनगन गनगन कापत हुवन, वो कामिनी के सामने हाथ जोड़ के एक ठे बात कहलन। एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। अरे काहे ताप हउ जी भैया जी से, हाय हाय हाय, अरे काही दबाऊ जी भैया जी से, दे देता है गावा नवाना। भौजी भैया जी से, अरे दे देता गावा नवाराम। तुई या चीज वा खबरारी चाही, तुई या चीज वा हमरा चाही, चौकिया बेला नवारा। प्रेमचंद के आंख से आंसू तरतर तरतर चलत हो, हाथ जोड़ले हुआ गनगन गनगन कापत हुआ, कहत हुआ का, अरे कामिनी कबतियारे सुध के, कामिनी कबतिया सुन के फाटी गईली छतियारा। भैया के पढ़ावली सही के केतनी विपत्तियारा, खैली बेटी रोटिया न खैली बेटी, भैया के खियावली राम रोटिया न। हे बाबू, प्रेमचंद यह कहत हुवन कि गरीबी जहल के मेहनत मजदूरी कैली, जहाँ दू रोटी मिलत रहल वहाँ हम आधे रोटी खात रहली, डेढ़ रोटी अपने भैया के लियात रहली कि हमार भैया सवेरे स्कूले जइहन, भैया के पेट नजर बिटिया, बड़ी मेहनत कैली, बहुत मजदूरी करके इस भाई को मैंने आज इस पायदान पे खड़ा किया हूं बेटी। ए बाबू, कामिनी फटकार रही है, अपना ढोंग बंद कर दो, निकल जाओ इस घर से, तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। और उसी वक्त कामिनी और अकुंज प्रकाश दोनों को इस रास्ते से हटाने का कसम खा लेते हैं।
सोच गए कि हमारे बीच में रहेंगे ये दोनों तो हमेशा हमेशा के लिए कांटा बनते रहेंगे। ए बाबू कैले का वही बीच में देखें, जानकी मालिक की कृपा से गर्भ अवस्था में होती है। बाबू एक दिन शाम के टाइम बा अपने प्रेमचंद सैया से कहलस कि राजा जी कुछ खाए के इच्छा करत बा, जाई बाजार से ले आई। आए है बाबू हो बात सुन के जानकी दुल्हन का प्रेमचंद निकरल हुए बाजार में उस सामान लेवे खातिन। तो बीच में घटना घटल, का घटल मास्टर? बड़ी धूम मचौला से एक समय कौनो ननद अपने भौजाई से कहतियो के करा खात करब भौजी आपकी के पारब सैया यारब दैले ना। भाई के प्रति भाई की नीयत खराब हो जाती है। छोटा भाई बड़ा भाई के लिए शैतान का रूप पकड़ लेता है। शाम का टाइम बाये बाबू बड़का भैया प्रेमचंद बाजार में निकल हुए सामान लेवे खातिर। ओ समय भैल का एक दिन प्रकाश चंद का एक दिन प्रकाश चंद का देखा बदमिजाजी दहकाबाजी कैले ना। भाई के बाजारी या से लहले उठावाई अपने ही नामे कुल जमीन लिखावाई। भैया बाबू हो शाम के टाइम बा प्रेमचंद बाजार में निकलते हैं सामान लेने के लिए। वही समय छोटका भाई अकुंज प्रकाश अपने चार साथियों के साथ बीच राह में घेर लेता है। अपहरण कैलेलस घना जंगल में ले गल, जाय के भैया से कहलस स्टैम्प पेपर ले जाता है। कहलस कि भैया हो
ए पर जितना सारी जमीन जायदाद थियो, ए पर दस्तखत करदा पूरा हमरे नाम हो जाओ। आय है बाबू, जब इतनी बतिया प्रेमचंद सुनले कहले ना रे पगला ना, अरे हमें जमीन जायदाद की जरूरत ना रे बा, कुल तोरा हो, हमके एक कोद हुरना चाहिए, हमके बस हम तो मालिक से दुआ करत है कि तू एकदम सलामत रहा। आय हाय बाबू, जब इतनी बतिया कहले अकुंज प्रकाश क्रोध में हो जाता है, फटकार लगाता है, ए नौटंकी बंद करो, दस्तखत करते हो कि नहीं करते हो। आय हाय बाबू, अखिया से आंस चले लगल प्रेम के, कहले ना रे पगला, दस्तखत ना करब, कुल तोर हो, घर द्वार चाही, जमीन जायदाद चाही, कुल लेके रहा, हम घर से निकल जाई। आय हाय बाबू, वही बीच में चार साथी साथ में होते हैं, करते हैं क्या, सुरठी के अंदर बहाव लिखल गई मास्टर। आए है बाबूजी अकुंज प्रकाश बड़ा भाई के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, बारे कलयुग का भाई कैसे भाई और कैसा ये प्रेम है एक बड़ा भाई के प्रति, जरा गौर करेंगे बाबू। ना ही कैल दस कत जब की प्रेम बड़का भाई आयर प्रेम, ना ही कैल दस्तखत जब की प्रेम बड़का भाई आयर प्रेम, बड़का भाई आहो दाबी के नटैया लगल मारन गोरा, चार साथी मारे भैया लाठी यन कमारी आयर लाठी, चार साथी मारे भैया लाठी यन कमारी आयर लाठी, यद कमारिया हो धरती पर गिरल बहरा पूरा, हे बाबू छोटा भाई अकुंज प्रकाश कि कलेजे में दया नाम की कोई चीज नहीं है बाबू, बड़ा भाई को अपने ही सामने चार साथियों को लेकर के लाठी की मार मार रहा है, बड़ा भाई प्रेमचंद धरती पर दहरा शाही भैलुवन लहू लुहान हुआ, ए बाबू अपने जान कभी छोटा भाई अकुंज प्रकाश से मांगत हुआ, लेकिन कलेजा में कोई दया नाम की चीज नहीं है, हाथ जोड़ करके धरती पर धाराशाही प्रेम चंद्रोवत मुक्का थुमका, जीना मारा जनवाये भैया लेला कुल जमीनी आयर लेला, जीना मारा जनवाये भैया लेला कुल जमीनी आयर लेला, कुल जमीनी आहो जो हत होई है भाऊजी तो हारन पूरा,
ए बाबू, लाख जिंदगी की भीख मांगता रहा लेकिन कोनो दिल में कसक ना हो। आखिरकार मारते मारते लहू लुहान कर देते हैं और बीच नदी के धारा में बहवा देते हैं। आखिर में बाबू बीच नदी में जब बहवा देलन, ओ समय बहवा के जब फेंक के चलल हुवन तो और खुशी दिल में हो गई। सोच गए कि आज हमारे बीच रास्ते का एक कांटा हट चुका है और दूसरा कांटा रह गया है। जहाँ चार बोतल खुलत रहल वही दिन खुशी में आठ बोतल खुलल। ए बाबू, नशा में चूर आके घर पे वो बयान करते हैं अपने दुल्हन कामनी से अकुंज प्रकाश छोटा भाई बयान करत हुन कि भैया के काम तमाम हो गल हो। रह गल ही मात्र भौजी, आज रातों रात भौजी का भी काम तमाम हो जाई। आए है बाबू हो गर्भ अवस्था में जानकी ए बतिया के जब सुन ली एक केवाड़ी के आड़ से कलेजवा फाट के कई टुकड़ा विभाजित होगल। बाबू सोचत ही हमरे पति के मार दलन सब हमके भी मार दी हन तो कवि जी के पहपट के अंदर बहाव लिखे पड़ल। अरे सुन के देवर पापी का नियति आया धीरतिया कह, अब सुन के देवर पापी का नियति आया धीरतिया कह, अब भागी जान की पिया कले के छति आया धीरतिया कह। काफी दूर शहर में गई जानकी आई हो, बदहवास गिर पड़ी सड़क पर भोर गयल नियर आई हो। अरे एक मकैनिक देखला तही बखत आया धीरतिया के, घरे लिया इला बिसत बन के साथी आया धीरतिया के। वो सब आइल तब पूछे राजन कवन मुसीबत आई हो, रात पहर अकेले घर से आइलू कदम उठाई हो। अरे कहे जान की रो रो कुल हालत आया धीरतिया के, अरे कहे जान की रो रो कुल हालत आया धीरतिया के, देवर पापी बनल जान के घाती आया धीरतिया के। भैया बाबू हो जानकी घर से निकली भागते भागते एक बीच सड़क हाईवे रोड पे गिर जाती है। रात का टाइम बा ए बाबू चार बजल हो, वही करा है वाला एक मैकेनिक एक नौजवान जिसका नाम राजन बताया गया पत्रिका के द्वारा, देखता है बेहोशी हालत में गर्भ अवस्था में एक महिला गिरी हुई है। उठौलन ले जाके दवा दारू करौलन। ए भैया होश बैल कहले बहन इस अवस्था में और इतनी रात में आखिर घर में घर से कैसे निकल कर आई हो। जानकी कहलस की भैया हो जब आपन आपन ना भैल तो तुहके ई हाल जनले का कोनो फायदा ना हो। कहलस की नारे बहनी ना, आज से तू हमार धर्म का बहिन हो, भेद बतावे के परी। आखिर में बतौलिन कि हमार छोट देवर हमरे पति के मार दहलस, मार के फेंक दहलस और हमें मारे खातिन पयान कैलस, यही लिए हम घर से कदम उठा ले ली। आय है बाबू राजन कहलन कि बहन आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो, मेरी कलाई को सजा दो बहन, आज से मेरे घर में रहेगी तू, धर्म की बहन है और धर्म की बहन बन के रहेगी। आय है बाबू आल्हा के अंदर बहाव लिखे पड़ल। आ
सुन के भारी दुख भारी कहानिया बाबू। बाबू समय बीतल, जानकी राजन के घर पे रहने लगी बहन की रूप में और एक पावन पवित्र रिश्ता हो गई। ए भैया धीरे धीरे समय बीतल, वही जानकी के गोद से एक ठे बालक पैदा भेल, एक ठे लड़का पैदा भेल। जीवन बड़ा सुख से बीतत हो, लेकिन इधर आगे विधि का विधान का बदलल। सदर आला में बहाव लिखे बाबू हो। समय के मुताबिक समय लगभग 10 साल बीतल बा। जानकी और ओ धर्म का भाई राजन और छोटा मुन्ना बालक, वो तीनों वही नजदीकी शहर में जाते हैं बाजार करने के लिए। और वही बाजार में खूब ढेर साधुओं की जमात आती है, जय श्री राम का नारा घोष करते हुए। और उसी साधुओं के बीच से एक नौजवान निकलता है, जहां मुन्ना और जानकी राजन शॉपिंग कर रहे थे। वही समय जानकी और वो नौजवान दोनों एक जगह, दोनों आपस में जहां मिलते हैं, दोनों का नयन मिलते ही एक दूसरे को पहचान जाते हैं। प्रेम हा जानकी, आवाज लगौले, आए है बाबू। एक दूसरे के पहचाने में टाइम ना लगल। वही समय दोनों के आंख से आंसू चलत हो, साधुओं की भीड़ देख रही है
एक तरफ राजन देख रहा है आखिर ये कौन है, लेकिन बाबू समझने में देर नहीं लगी, आंख से आंसू चलत हो। अपने धर्म की बहन को पति के हाथ को पकड़ता है और धर्म की बहन के हाथ में दे देता है, और एक तरफ साधु उन दोनों की लीलाओं को देखते हुए कहले जा बेटा जा, प्रेमचंद को समझाते हैं जाओ बेटा जाओ, अब तुम्हारा मंजिल आ चुका है, अब तुम अपनी गृहस्थी में अपना जीवन बिताओ। वहीं से साधु अपन आगे रास्ता सफर करते हैं, जय श्री राम का नारा घोष करते हुए। इधर राजन अपने बहन धर्म की बहन को समझा रहा है कि बहन कभी आना चाहे मत आना, लेकिन सावन के महीने में जरूर आना, इस धर्म के भाई के कलाई के सजा करके पावन करना बहन, कलाई को पावन करना। आए है बाबू हो, आंख में आंसू हो। एक तरफ राजन अपने रास्ता को तय करता है, दूसरी तरफ साधु जय श्री राम का नारा घोष करते हुए अपने सफर को तय करते हैं। अब इधर तीनों वो मुन्ना और जानकी और प्रेमचंद आंख से आंसू चलत हो, अब वो परिवार में चलत हुवन जहां से जिंदगी का शुरुआत भई लहल, वो भूमि स्थल पर पहुंचत हुवन। कैसे आवा मास्टर? अरे रुकलो न रुकय, अब तम प्रेम काया सिया, अब तो हर देख के सूरतिया फाटले छतिया। प्रेम भाई कबे वो भाई, अदे हल मुआ के गहरी नदी में बहवाई, साधुन कै जमात बचौल जीवन था किया, तोहर देख के सूरतिया फटेले छतिया। ए बाबू, प्रेमचंद अपने दुल्हन को समझा रहे हैं कि छोटा भाई अकुंज प्रकाश तो हमें मार के फेंक देले रहलन, लेकिन कहल जला कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हो, ए विधि का विधान हो, जवन मालिक चाहिए तो न होई। आगे अरे 8 साल संगत में अपने तीर्थ करावल अजान बदे हाल हमें यहाँ तक पहुँचावल, अरे ईश्वर जवन चाहिए के हुका मेटाई टकिया, तोहर देख के सूरतिया फटले छतिया। देखले बुरा हाल हो, भाईले वकील साहब बिल्कुल कंगाल हो, अरे करनी का फल अपने पवले घाटिया, तोहर देख के सूरतिया फटले छतिया। ए बाबू हो, प्रेमचंद और जानकी अपने उस जन्म स्थल पर अलन जहां से जिंदगी का शुरुआत भई लहल। जो समझता था कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ, बहुत बड़ा धनवान हूँ, धन के कारण वो घमंड में आ चुका था। अकुंज प्रकाश बाबू दर बदर की ठोकरें खा रहा है, एक रोटी के लिए मुहताज हो गया है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। जो कामनी सोच रही थी कि मैं महलों की रानी हूँ, आज वो रानी घराने बड़े घरानों में जाकर के नौकरानी की काम कर रही है, झाड़ू पोछा के काम करती है। ए बाबू,
दोनों जब देखलन जिंदा प्रेमचंद और जानकी के, जाके चरणों में गिर जाते हैं, अपने गलती के माफी मंगलन। कहल जला भाई जैसन हित न भाई जैसन दुश्मन, ए बाबू बड़का भैया माफ कई के गले से लगोलन। एक समाज में नया निर्देश दहलन, नया संदेश दहलन, ए बाबू इसी समाज में परिवर्तन होके के चाहिए। यही से गुरु घराने का परिचय लगल मास्टर। गुरु बिहारी गुरु गणेश जी हरिनंदन राम जी आवन, कथन करे कवि कुबेर पुष्कर राम धारी स्वर्ग सीधावन। तमाशा अपने घर का देख के, ए भैया तमाशा अपने घर का देख के, वंशराज राहगीर का नई नई जिज्ञासा होता।